अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? यकीनन बहुत खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और इस वक्त साजदा व्लॉगिंग में मेरे साथ मौजूद होंगे। जी हाँ जनाब, जैसे कि आपको पता है कि मैं ये सोच रही थी कि आपको अपनी वो तमाम चीज़ें भी शेयर करवाऊँ जो कि मैं खुद अप्लाई अपने ऊपर कर रही हूँ। तो सोचा कि आज क्यों ना आपको ये बता दूँ कि मैं अपने बालों को वॉल्यूम देने के लिए क्या कर रही हूँ आजकल, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि मेरे यहाँ फैमिली में बहुत सारी शादियां आ रही हैं और मैं हूं जी कैंसर पेशेंट। तो कैंसर पेशेंट में जब मैंने केमोथेरेपी करवाई तो उसके बाद मेरे सर से सारे बाल चले गए थे, सर से क्या पूरे जिस्म से सारे बाल चले गए थे। उसके बाद जो बाल मेरे पास आए हैं वो बाल तो अब आ गए, लेकिन क्या हो रहा है कि उनकी ग्रोथ बहुत कम हो रही है और यह आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं आगे से गंजी शिंजी सी हो गई हूँ। ठीक है ना जी, ये देख रहे हैं आप, ये गंजी शिंजी सी। वैसे तो ये मेरे पूरे ख़ानदान का ट्रेडमार्क है, लेकिन मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो अब मैं चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि इनमें कुछ वॉल्यूम आए, कुछ हो, कुछ ये आगे से वाइट भी हो रहे हैं। ये भी मेरी अपनी हरकतों से हो रहे हैं क्योंकि मैंने बालों को डाई बहुत कराया। बड़ा शौक होता था, स्ट्रीकिंग कराऊँ, ये कराऊँ, वो कराऊँ। पहले ना मैं कुछ खूबसूरत हुआ करती थी कुछ, लेकिन अब नहीं। उसकी वजह ये है कि पिछले 2 साल से मैं कैंसर जैसे मुझी मर्ज से फाइट कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि मैंने सरवाइव किया और मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। तो अब मेरी स्किन भी पहले जैसे नहीं रही, अब मेरा रंग रूप भी पहले जैसा नहीं रहा और मेरे बाल तो आपको पता है, आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा। ये नज़र आ रही है आपको गंज, इधर आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी ना। तो ये गंज ने जो है ना मुझे कुछ परेशान कर दिया। वैसे मैं परेशान होती नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी आपको अपनी कैंसर की भी पूरी जो मेरी जर्नी है वो आपको बताऊँगी। आप कह रहे होंगे जर्नी, जी हाँ जर्नी ही कहूँगी, क्योंकि मैंने इस बीमारी को बहुत हंसते खेलते गुजारा है। मैंने इसको अपने सर पर सवार नहीं किया, मैंने टेंशन नहीं ली, मैंने जो है परेशानी नहीं किया दूसरों को और ना खुद हुई। और मैंने ये सोच के इस बीमारी से फाइट की कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जिसको जो चाहे, और वो यकीनन अपने बंदों को कुछ महसूस करता है तो ऐसी बीमारियों से गुजारता है। और कहता है जिसने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां दुनिया में देख ली उसके तो बहुत सारे सदका निकल जाता है और बहुत सारी परेशानियाँ आखिरत की कम हो जाती है। तो शायद मेरी बहुत सारी परेशानियाँ आखिरत की कम हो गई। आज जो मैं आपके पास आई हूँ कुछ मास्क टाइप अपने बालों को करूँगी। ये देखिए मेरे बाल इतने से हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे होंगे, पीछे भी हैं कुछ। अच्छा, ये वजह सिर्फ ये है कि मेरे कैंसर के बाद जो है इन बालों में से रौनक उड़ गई, बिल्कुल मैं तो गंजी हो गई थी ना। ये देखिए ये बाल है ये। अब मैं सोचती भी हूँ कि मैं अब इनको क्या करूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ अल्लाह की मर्ज़ी है, जो भी हो गया ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं वॉल्यूम क्या ले रही हूँ ना। अब अभी मैंने ये तीसरी दफ़ा यूज़ कर रही हूँ और मुझे महसूस हो रहा है कुछ बालों में गफ हो रहे हैं कुछ मेरे बाल। तो बिल्कुल जनाब मैं आपको तरीका बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले यही कहूँगी कि साजदा सिंबल के इस ब्लॉग को आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और पूरी मेरी वीडियो देखिएगा, कहीं कोई बात आपको ऐसी अट्रैक्ट कर जाए और आप जो है वीडियो देखें तो आपके लिए फ़ायदे की बात हो। तो बिल्कुल जनाब शेयर ज़रूर कर दीजिए अपनी उस कम्युनिटी में जहां आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर मौजूद हैं, या मेरे वो ब्लॉगी दोस्त जो कि मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे आप जो है सब्सक्राइब करवाइए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए हैं। तो आइए अब अपने हम चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अपने सर पर लगाऊंगी। सिर्फ 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों से बहुत अच्छा सा वॉल्यूम आपके बालों में आएगा। और जब मैं लगाती हूँ ना, मैं हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जिन्होंने बताया था उन्होंने कहा था कि ज़्यादा रोज़ मत लगाइएगा,
बीच में 2-3 दिन का गैप ज़रूर दीजिएगा, तो वो गैप मैं दे रही हूँ और उस गैप की वजह से ही जो है अभी मेरे बाल कुछ रफ हो गए, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है अभी बाज़ारों के भी काम बहुत सारे हैं, मैं अपनी जॉब पे भी जा रही हूँ, लेकिन जब मैंने ये लगाया था तो 2 दिन तो मेरे बाल मुझे खुद नहीं लग रहा था कि इतने अच्छे बाल हो रहे थे। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने बालों में खूबसूरती ला सकते हैं। तो जी हम आपको बताते हैं कि क्या क्या 3 चीज़ें जो हमें इस्तेमाल करनी है। अच्छा, ये आपको मेरे बाल ना ये वाइट भी नज़र आ रहे हैं, ये अभी मैं कुछ दिनों में डाई भी करूँगी, फिर मैं आपको डाई करते हुए भी बताऊँगी कि किस तरह ये डाई किया जाए। ठीक है, तो ये है जी कैस्टर ऑयल, रोगन एरंड, ठीक है जी, पहले इंग्रेडिएंट, विटामिन ई का कैप्सूल, ये देखिए नज़र आ रहा है विटामिन ई। इसके अलावा जी ये एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल बिल्कुल, ठीक है जी, एलोवेरा जेल आप लोग ले लीजिए। ये सिंपल 3 चीज़ें हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है। अब इसके लिए आपको एक कॉम्ब चाहिए, कोई सा भी ले लें जो आपके पास हो। ये एक आपको सीजर चाहिए होगी जिससे आप विटामिन ई के कैप्सूल को कट करेंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल है, ये है मसाजर, बालों का मसाज करने वाला है। मैं सिंपल जो है मसाजर इसलिए ले रही हूँ, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप लगाने से पहले थोड़ा सा अपने बालों को ऐसे 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 कर लें तो ज़रा ये है कि आपकी स्किन एक्टिव हो जाएगी और जो दौरान खून है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यूं करके अगर आपके पास ये मसाजर है तो आपने ये देखिए कितना सुकून मिलता है, दिल जाता है कोई आपके सर में ये हर वक्त करता रहे। आयो भैया बड़ा वाजी वाह, बहुत अच्छा लगता है ना अगर आप इस तरह कर रहे हैं, या एक से 1.5 मिनट करें। इसमें क्या होता है कि जो डेड स्किन है वो भी आपकी थोड़ी सी हिले झुलेगी, उसमें भी थोड़ा सा तर्श पैदा होगा और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी फास्ट होगी। ठीक है ना जी, तो ये ब्लड सर्कुलेट के लिए हम कर रहे हैं, ये पीछे भी कर लीजिए, ये देखिए इस तरह गुद्दी में गर्दन का बैक साइड, इसको हम गुद्दी कहते हैं ये, ठीक है, इस तरह कीजिए। और अगर आपके पास ये वाला टूल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये लीजिए आपके हाथ है ना, ये देखिए जी क्या क्या करना पड़ता है अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए। अच्छा, इस वक्त मेरे छोटे साहबजादे यहाँ बैठे हैं, जो कभी कभी आपको उनके हंसने की आवाज़ आ रही होगी, आज स्कूल की छुट्टी है और वो नहीं गए, और उनसे मैंने ये कहा है कि प्लीज़ शोर ना मचाइएगा, अगर मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तो कोई बात नहीं। ये मैंने एलोवेरा जेल ले ली, ठीक है, ये 1 स्पून मैं ले ली, 1 स्पून एलोवेरा जेल, ये देखिए ये मैं प्याली में 1 चम्मच डाल दी है, सही ये आपको नज़र आ रही है। अब क्या करना है, अब इसमें डालना है कैस्टर ऑयल, जिसको अरंडी का तेल भी कहते हैं, कैस्टर ऑयल आपने लेना है, इसको खोलना है, किसी भी कंपनी का ले लें, मेरे पास मरहबा वालों का है तो आप मरहबा वालों का कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, और ये आपने 1/2 टीस्पून लेना है, यानी 1/2 चम्मच, ये देखिए नज़र आ रहा है, ये मैंने 1/2 चम्मच कैस्टर ऑयल ले लिया, थोड़ा ज़्यादा हो गया इसको वापस डाल रही हूँ, ये 1/2 चम्मच कैस्टर ऑयल लिया मैंने और ये मैंने एलोवेरा जेल में डाल दिया, सही। अब बारी है तीसरे, अच्छा इसको आप पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा, आप कैस्टर ऑयल की ये खासियत है कि जब आप इसको मिक्स करेंगे तो जेल आपका वाइट वाइट हो जाएगा, ये देखिए चेंज होती है फौरन, लम्हों में चेंज होती है, तो ये आपका जेल वाइट वाइट हो गया। अच्छा जी, ये कैमरा मेरा एकदम टुड़क हो गया था, तो कोई बात नहीं जी। अब ये जी है
वाइट चीनी नहीं का कैप्सूल। ठीक, अब इसको मैं डालूंगी प्याली में। अब डालूंगी कैसे, ये मैंने पहले कैंची से हल्का सा सीजर से कट करना है। कट हुआ, थोड़ा से ड्रॉप मेरे हाथ पे भी है और ये अब मैं इसमें पूरा डालूंगी। ठीक है, बहुत इजी फार्मूला है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, विटामिन ई के कैप्सूल के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि स्किन का कैप्सूल अलग होता है, हेयर का विटामिन ई कैप्सूल अलग होता है। आप लोग जब मेडिकल स्टोर या किसी कॉस्मेटिक शॉप से ये लेने जाएं तो आप कहें कि बालों का विटामिन ई का कैप्सूल दें। ये नॉलेज देनी बेहद ज़रूरी थी आप लोगों को। ये जो बच गया है जी, थोड़ा सा मेरे हाथ में लग गया था, इसको हम ऐसे कर लेते। और ये जी दोबारा हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली, कैस्टर ऑयल, एलोवेरा जेल और जी विटामिन ई का कैप्सूल। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंडे का मांस लगाएं तो ये करें। अंडा असल में मुझे पसंद भी नहीं है और मैं उसकी स्मेल तो किसी सूरत बर्दाश्त कर ही नहीं सकती अंडे से, तो मैं बहरहाल। तो ये बहुत अच्छा मुझे जेल लगा, खाने की चीज़ की फ्राई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे बस वो है, मैं नहीं शुरू से नहीं उसको लाइक करती ना। अच्छा, ये आपने मिक्स करके रख लिया। तमाम चीज़ों को आप सबसे पहले बंद कर दें, क्योंकि कहते हैं कॉस्मेटिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप उनको खुला रखेंगे तो उनकी जो अफादियत है वो कम होती चली जाती है। तो फौरन उनको बंद करके रख दें। ये एलोवेरा जेल है जी, फैबुला 92% एलोवेरा जेल। अच्छा, ये आप कोई सा भी ले लें, ज़रूरी नहीं है ट्यूब की शक्ल में मिल जाए आपको, बॉटल की शक्ल में मिल जाए, स्प्रे की शक्ल, स्प्रे तो खैर नहीं होता, आप इसको ट्यूब या बॉटल जिस शक्ल में भी मिल रहा है आप एलोवेरा जेल ले लीजिए और इसको यूज़ कीजिए। अच्छा, बहुत से लोग अब मुझसे ये कहेंगे कि हमारे घर में भी लगा हुआ है तो हम उसको क्यों नहीं यूज़ कर सकते। बिल्कुल जनाब, उस तेल उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि एलोवेरा जेल के अंदर जो उसका जेल होता है उसमें एक बारीक सी येलो कलर की लाइन आ रही होती है ना, एक जेल येलो सा होता है। अगर वो गलती से या अचानक अगर उस जेल में मिक्स हो जाए तो वो पॉइजनिंग कर देता है। तो उस पॉइजनिंग से बचने के लिए जो है हमें ये मैं तो प्रेफर करती हूँ जो बने बनाए जेल होते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं। जो जेल है मैंने अपने बालों के हिसाब से बनाया है, एक चम्मच एलोवेरा जेल, हाफ चम्मच जो है, हाफ टी स्पून मैंने लिया है कैस्टर ऑयल और एक विटामिन ई का मैंने कैप्सूल लिया। अब मैंने लगाना है इसको सर में। अब मैं इसको अप्लाई कैसे करूँगी ये देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे इधर है क्योंकि यहाँ मेरी स्किन बिल्कुल ख़राब हो रही है, स्किन नहीं बाल ख़राब हो रहे हैं। ये देखिए मैं यहाँ इसको रब कर रही हूँ, ज़रा सी देर आपने इसको रब करना है। ठीक है, ये देखिए, फिर आप लीजिए ये करें, इसको आपने यहाँ हल्का 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 रब करना है। ठीक, बहुत मुश्किल है कैमरे के लेंस। ये देखिए, ये यहाँ से हल्का 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 मैं रब कर रही हूँ। अच्छा, हल्के हाथों से कीजिएगा ना, मैं ये बता रही थी कि बड़ा मुश्किल होता है कैमरे के लेंस में देख के काम करना क्योंकि नज़र नहीं आ रहा होता है कि हम सही यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन जी, आप लोगों के लिए हमें सब कुछ करना है और बताना है। अब ये देखिए, ये मैंने अपना फ्रंट पोर्शन सही कर लिया, ठीक लगा लिया अच्छी तरह यहाँ पर इस जेल को। ये देखिए सही, अब बारी आती है इधर की, यहाँ है थोड़े से बाल वहाँ नहीं थे तो मैंने वो किया। अब ये अच्छा, ये जड़ों में लगाना होगा आपको क्योंकि कुछ मास्क ऐसे होते हैं जो हम जड़ों में नहीं लगाते और कुछ ऐसे होते हैं जिनको जड़ों में लगाना बेहद ज़रूरी होता है। तो ये मैंने जड़ों में लगाना है क्योंकि मुझे इनको वॉल्यूम देना है और वॉल्यूम के लिए ज़रूरी है।
अच्छा, मैं जब अपना कॉलर का कोर्स कर रही थी तो जो मेरी उस्ताद थी कौसर खलील, एक बड़ा नाम है उनका, जो ब्यूटी के दुनिया के लोग हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो उन्होंने मुझे ये हमें बल्कि हम सब स्टूडेंट्स को ये बताया था कि उन दिनों नया नया पपाया सिरम आया था, तो उन्होंने कहा था ये पपाया सिरम जो है बालों के लिए बेस्ट होता है और स्किन के लिए, तो आप लोग इसको यूज़ किया करो। तो उस वक्त हम करते थे, कहते ना कि जब जवानी के दिन होते हैं, शादी से पहले जब आप बिल्कुल बांधे होते हैं, कोई काम करने को नहीं होता, सिर्फ अपने ऊपर तवज्जो होती है, तो आप बहुत सारे काम कर लेते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, देखें ये बाल जो नीचे आ रहा है तो ऐसे आप, तो जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर आपको अपने घर को टाइम देना होता है, तो फिर वो चीज़ नहीं रहती ना, फिर उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है कि अब घर को टाइम दें आप या फैशन में लगे रहें, लेकिन वाकई में हम नहीं देते, हम ख़वातीन घरों में नहीं अपने ऊपर तवज्जो देती, लेकिन देनी चाहिए क्योंकि हमारी स्किन ही तो सब कुछ है। क्योंकि वो कमर्शियल याद है आपको जिसमें कहते हैं आखिर हमारा चेहरा ही तो दिखता है। बिल्कुल, इस कमर्शियल को जहन में रखते हुए अपने चेहरे की हिफाजत कीजिए, और चेहरे में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके बाल है। क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया जब मैंने कीमोथेरेपी करवाई, और पहली कीमोथेरेपी के बाद जब गुच्छे गुच्छे मेरे बाल के आने लगे, फिर दूसरी कीमोथेरेपी आई तो पूरी पूरी लट्ठे ऐसी ऐसी जाती थी, बाल मेरे कभी बड़े नहीं रहे लेकिन हाँ इतने ज़रूर होते थे, तो जब पूरी पूरी लट्ठे जाती थी वॉशरूम में, जब मैं नहाने के लिए जाती थी और मेरे वॉशरूम में नीचे बालों की एक हुजूम होता था ना, तो मुझे ढूंढना पड़ता था कि इनमें से बाल वो ज़मीन कौन सी है और बाल कौन सी है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि बजाय इसके के, और वो तकलीफ़ होती है जब वो बाल उतरते हैं ना, स्किन में से गिर रहे होते हैं तो वो तकलीफ़ कर रहे होते हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा बजाय इसके कि मैं इतनी अजियत उठाऊँ, मैं सैलून जाती हूँ, वहाँ जाके मैं गंजी हो जाती हूँ। तो वो कहने लगे पागल हो गई हो, क्यों हूँ ऐसे अपने आप को पर। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये बहुत तकलीफ़ है, आपको इसका अंदाज़ा नहीं। फिर मैं सैलून गई, मेरी फ्रेंड का सैलून था, मैं वहाँ गई, मैं नया रेज़र लेकर गई, स्नाइज के लिए मैं जो है डिटॉल लेकर गई, और हाइड्रोजन के पानी में मैंने उसको साफ़ किया, फिर डिटॉल से फिर मैंने कहा अब तो मुझे गंजा कर दो। वो खुद बेचारी बड़ी ना कंफ्यूज हो रही थी, कह रही थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस तरह करना, लेकिन देखिए मजबूरी होती है, किसी जिस बीमारी के लिए इलाज ही यही है तो उसका आप क्या कर सकते हैं ना, कोई और हल तो है नहीं, तो उसके लिए फिर परेशान होना या ये कहना नहीं, मत सोचिए। मैं अपने उन तमाम लोगों से जो कि खुदा ना खास्ता इस बीमारी में मुबतला है, तो परेशान ना होना, मैं इस पे भी पूरा व्लॉग करूँगी इंशाल्लाह, और आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने कितनी प्रॉब्लम्स उठाई लेकिन हिम्मत कितनी रखी, ये सब मैं आपको बताऊँगी। मैं और ये पूरा महीना अक्टूबर का पूरा महीना तो वैसे भी जी सदर पाकिस्तान जनाब अलवी साहब ने कैंसर के नाम किया है, तो ये पूरा महीना जो है कैंसर के हवाले से है, तो बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, छाती के कैंसर के, तो मैं इसमें आपसे बात करती रहूँगी, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अपनी हिम्मत मत हारिएगा, अगर आपने अपनी हिम्मत हार दी तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता ना। अब ये देखिए, ये मैंने पूरे सर में मास्क लगा लिया, हल्का सा मैंने इसको मसाज किया, ठीक है, ये हल्का सा मसाज हो गया यूँ करके, और जी ये कंघा भी तो था ना, मैंने इसको तो यूज़ ही नहीं किया, अब कर लेते हैं। असल में अगर आप लोगों के बाल ज़्यादा है ना तो आपको कंघों की ज़रूरत पड़ती है, बाल बहुत कम हो जाए तो फिर कंघे भी कहते हैं कहाँ फंस गया हूँ मैं आके, जहाँ कोई काम करने को ही नहीं है। चले फिर भी हम कंघे को थोड़ी सी मेहनत करा लेते हैं, और ये देखें जी सारे बालों में आ गए, ठीक है, ये देखिए इस तरह गिरते हैं मेरे बाल, ये देखें आ रहे हैं नजर, ये देखिए ये पूरे गुच्छे के गुच्छे बालों के जाते हैं, और मैं तो ये कहती हूँ कि एक बार फिर मैं गंजी हो जाती हूँ, ये देखिए, तो ये इस तरह बालों का वो होता है, आपने यूँ किया। अच्छा, जब आप ऐसे मसाज करते हैं ना बड़ा सुकून मिलता है, और अगर आप किसी से लगवा रहे हो, जैसे मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं है,
अगर आप किसी से लगवा रहे हो तो उनसे कहें कि भाई आप जो है बहुत अच्छी तरह मसाज कर दो, तो बड़ा आपको मज़ा आएगा। ये देखिए, ये किया, ऐसे किया, यूँ करके आपने इसको कैचर लगा दिया, ठीक है, ये कैचर लगा, ठीक। तो अब आपने इसको 45 मिनट्स यानी 45 मिनट लगा के छोड़ देना है, और इस दौरान आप अपना काम कर लें, रोटियां बना लें, सालन बना लें, कपड़े इस्तरी कर लें, बच्चों के अगर स्कूल से आने का टाइम है तो जल्दी जल्दी उनके लिए खाना आपने रेडी करना होगा, कहीं जाना है तो कपड़ों वपड़ों का इस्तेमाल होगा, ये तमाम काम आप निपटा लेना जल्दी जल्दी, घर की सफाई सुथराई, मासी नहीं आई है तो खुद ही करनी है, तो वो काम आप कर लें सारे। 45 मिनट बाद इसको अच्छी तरह शैम्पू से वॉश करना है। अच्छा, इसमें क्योंकि कैस्टर ऑयल गल चुका है तो शैम्पू से एकदम वॉश नहीं होगा ना, आपको 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह शैम्पू करना पड़ेगा। अब शैम्पू आप कौन सा करेंगे, अगर हर्बल शैम्पू आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जॉनसन्स का बेबी लोशन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो नहीं भी है तो जो शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं आप कर लें। देखिए, हार्ड एंड फास्ट रूल कोई भी नहीं होता जिससे आपको परेशानी हो। पहले मैं भी यही सोचा करती थी कि ना फलां चीज़ नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, फलां चीज़ नहीं, कोई बात नहीं, हर किसी के पास कोई भी चीज़ नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे पास 4 चीज़ें तो आपके पास भी 4 चीज़ें हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास अगर 6 चीज़ें तो हो सकता है आपके पास 12 चीज़ें हों। तो जो आपके पास मौजूद है आप उसको यूज़ करें, लेकिन हर्बल शैम्पू सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। आप उससे अपने बालों को धोएं तकरीबन 45 मिनट बाद, 1 घंटा भी लगा रहने दें कोई मसला नहीं है, 2 घंटे भी लगे रहने दें मसला नहीं है, अगर आप मसरूफ़ हो गई हैं। बालों को अच्छी तरह धोएं, उसका पानी बहुत अच्छी तरह फिर धोने के बाद खुश्क करें टॉवल से, और खुश्क करने के बाद फिर जो है बालों का वॉल्यूम चेक करें। तो मैं भी आपको अपने बालों का वॉल्यूम चेक करवाऊंगी, ज़रा बाल मैं धो लूँ, अभी 45 मिनट हो जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है ना। जब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और मेरी और तमाम वीडियो को जब तक आप देख लें, अगर फारे बैठे हैं नहीं फारे हैं तो काम शाम कर लें, वो आते हैं दोबारा आपसे मुलाकात कर। और ये मैं इस वक्त 45 मिनट्स बाद अपने बालों को, और ये 45 मिनट के बाद सर को वॉश करने के बाद मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। यकीनन ये गीले बाल हैं, ड्राई करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे बाल शायद आपको नज़र आए, ये देखिए पीछे से कैसे दिखाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये कुछ आपको बेहतर नज़र आ रहे होंगे, सही। अब ये देखें, देखिए मुझे मुश्किल लग रहा है कि मैं आपको कैसे दिखाऊं, तो ये अब आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा बालों का, ठीक है ना जी। ये देखो, ये तो ये कुछ बेहतर हुए और बेहतर रहेंगे, आप इस तरह करते रहिए कोशिश, इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। अच्छा लगा व्लॉग तो ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको आज का हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला कुछ ब्यूटी टिप्स के साथ भी हाजिर खिदमत रहेंगे, साइजा व्लॉगी को इजाज़त दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और पूरी वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।